टॉलीवुड के सुपरस्टार प्रभास ने 2017 में बाहुबली 2 से लोगों का दिल जीत लिया था। इस फिल्म ने लोगों को इस कदर दीवाना किया कि देखते ही देखते ये फिल्म भारतीय सिनेमा की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म बन गई। वहीं बाहुबली के बाद हर किसी को इंतजार था प्रभास का बॉलीवुड में डेब्यू का। फिल्म साहू का ट्रेलर लोगों को खूब पसंद आया था और लोगों को प्रभास से वैसी ही उम्मीदें थी जैसी कि बाहुबली से थी। लेकिन अफसोस, इस फिल्म की ना ही लोगों को कहानी कुछ खास पसंद आई और ना ही प्रभास का एक्शन। इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर भले ही अच्छा खासा कमा लिया हो, लेकिन लोगों के दिलों में जगह बनाने में ये फिल्म और प्रभास दोनों ही नाकामयाब रहे। वहीं अब अपनी एक्शन स्पाई थ्रिलर को बुरे रिस्पॉन्स मिलने के बाद प्रभास ने अपनी अगली फिल्म को लेकर एक बड़ा फैसला लिया है। दरअसल बात कुछ ऐसी है कि पूजा हेगड़े के साथ बन रही प्रभास की तेलुगु फिल्म जान का कोई भी हिंदी वर्जन नहीं बनाया जाएगा। जी हाँ, राधा कृष्ण कुमार के डायरेक्शन में बन रही इस फिल्म के सोर्सेस ने इस बात का खुलासा किया और कहा, साहू के हिंदी वर्जन को बहुत बड़ा नुकसान उठाना पड़ा। ये उन सभी गैर हिंदी भाषा एक्टर्स के लिए सबक था जो मेन स्ट्रीम को क्रॉस करने की कोशिश करते हैं। वहीं प्रभास भी हिंदी दर्शकों के बीच अपनी पहचान बना चुके हैं। अब वो केवल प्राइमरी मार्केट पर फोकस करेंगे। वो अपनी कोर ऑडियंस को खोना नहीं चाहते, इसलिए हिंदी फैंस को अभी उनके लिए और इंतजार करना पड़ेगा। वहीं बात करें फिल्म जान की, तो एक रोमांटिक फिल्म होगी जिसमें कई सारे गाने होंगे। जहां लोगों को साहू में प्रभास का एक्शन अवतार ही देखने को मिला, वहीं इस बार वो उनका प्यार ही प्यार देखेंगे। वैसे आपको हमारी रिपोर्ट कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं और बॉलीवुड से जुड़ी तमाम खबरों को जानने के लिए आप हमारे साथ बने रहिए।